नमस्कार दोस्तों, आज का प्लान 25 बाई 60 फीट के घर के लिए रेडी किया गया है। बहुत ही शानदार प्लान है। पूरे प्लान में पूरा वास्तु आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे और कैसे आप वास्तु अनुसार घर बनाकर सुखी जीवन जी सकते हैं, ये पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आज का ये जो प्लान है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कॉमेंट किया था, उसी को पढ़कर आज का प्लान रेडी किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, प्लाट की आगे से जो चौड़ाई है वो 25 फीट है और प्लाट के सिर्फ आगे से फ्रंट ओपन है, यानी कि सामने से सिर्फ प्लाट ओपन है और तीनों तरफ दूसरे लोगों के मकान है। इस साइड में पूर्व दिशा में अदर प्रॉपर्टी है, पीछे की तरफ दक्षिण दिशा है अदर प्रॉपर्टी है और इधर पश्चिम दिशा है अदर प्रॉपर्टी है। सिर्फ प्लाट आगे से ओपन है। मोस्टली ऐसे प्लाट होते हैं जिनके अदर प्रॉपर्टी तीनों साइड होती है और सिर्फ फ्रंट से उनका ओपन एरिया रहता है। तो ऐसे घर बनाने में वेंटिलेशन की और वास्तु का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, प्लाट आगे से 25 फीट चौड़ाई में है, सेम 25 फीट प्लाट पीछे से है, 60 फीट प्लाट पूर्व की तरफ से लंबाई में है और इधर पश्चिम की तरफ से भी 60 फीट है, यानी कि प्लाट में किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं है। प्लाट का कोई भी कॉर्नर कटा बड़ा हुआ या दबा हुआ नहीं है। बहुत ही अच्छा प्लाट है, उत्तरमुखी घर बनेगा, शानदार धन धान्य सुख समृद्धि देने वाला घर होगा। कैसे निर्माण करेंगे आइए जानते हैं। 25 फीट चौड़ाई है प्लाट के अंदर। दरवाजा रखने के लिए दो ऑप्शन है, एक दरवाजा आप या तो चाहे तो बीचों बीच यहाँ रख सकते हैं, वरना हमने ईशान कॉर्नर में मेन आपका दरवाजा दिया है। अगर आप बीचों बीच दरवाजा रखते हैं तो फिर आपके आगे का जो एरिया है वो पार्किंग यूज नहीं रहता है, तो हमने ईशान कॉर्नर में दरवाजा दिया है। भूलकर भी कभी इधर इस कॉर्नर में दरवाजा ना दे, ये आपके घर में काफी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर आपका मुख्य दरवाजा रहेगा। रोड से आप घर के अंदर एंटर करेंगे, मुख्य द्वार यानी कि लोहे का मेन डोर आपका यहाँ लगेगा। वास्तु के अकॉर्डिंग आप जैसे अंदर प्रवेश करेंगे, इस दीवार से यहाँ तक 9 फीट की चौड़ाई कवर की गई है। ये पूरा एरिया पार्किंग का, बड़ी कार आराम से आपकी पार्क हो जाएगी, इतना एरिया छोड़ा गया है। 60 फीट में से हमने मोस्टली जो आगे का वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छा आपका एरिया छोड़ दिया है। इधर की तरफ आप देख रहे हैं पूरा गार्डन एरिया रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं टाइल्स का आपको निशान दिखाए गए हैं, यहाँ पूरा आपका बाहर की तरफ आंगन रहेगा और यहाँ पर आपका ये एरिया जो रहेगा वो पूरा वायव्य कॉर्नर आपका ओपन रखा गया है। धन धान्य सुख समृद्धि आएगी, अच्छा आपका घर बनेगा और यहाँ पर गार्डन फ्रंट में बहुत सुंदर लगेगा। ये पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया के ठीक सामने इस दीवार में एक विंडो दी गई है जो ठीक आपके घर के हॉल में खुलेगी और मेन डोर हमने इधर रखा है, ये आपका मेन दरवाजा रहेगा। इससे आप जैसे प्रवेश करेंगे, गेस्ट के बैठने के लिए पूरा ड्रॉइंग रूम दिया गया है। ड्रॉइंग रूम की इस दीवार से यहाँ तक 14 फीट चौड़ाई ली गई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट लंबाई ली गई है। एक विंडो हमने बाहर के, जहाँ पर हमने गार्डन रखा है, उधर ड्रॉइंग रूम का आपका विंडो रहेगा। बड़ी खिड़की जिससे अच्छा वेंटिलेशन रहेगा, शानदार आपके जो इस रूम का जो रोशनी रहेगी उसमें शानदार आपका ये रूम बनेगा। यहाँ पर आपके सोफे वगैरह आराम से सेट हो जाएंगे। अगर आप बेड सेट करना चाहें तो आप बेड भी सेट कर सकते हैं। टीवी वगैरह यहाँ सेट हो जाएगा। वार्डरोब वगैरह अगर आप बनाना चाहें तो इस दीवार के पास बना सकते हैं। यहाँ पर हमने सोफे सेट किए, बीच में आपके टी टेबल सेट किए, इधर आपके गेस्ट के लिए टीवी सेट की है, ठीक है। फिर आप देखिए अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर हमने कोई दरवाजा नहीं दिया है, डायरेक्ट ओपन रखा है। अंदर प्रवेश करेंगे, ये आपका लिविंग एरिया आएगा। लिविंग एरिया में हमने सोफे वगैरह सेट किए हैं, इधर आपकी सीढ़ियां है। पूरी वास्तु अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, क्लॉकवाइज सीढ़ी, एंटी क्लॉक सीढ़ी आपके घर में काफी समस्याएं पैदा कर सकती है। कभी भी एंटी क्लॉक सीढ़ी ना बनाए, वरना आपके बच्चों का और आपके भविष्य में काफी संघर्ष पैदा हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर आपकी सीढ़ियां हैं। उसके बाद में आप आगे प्रवेश करेंगे, ये पूरा आपके इस दीवार से लेकर यहाँ तक जो इसकी लंबाई रहेगी 15 फीट है, ये पूरा एरिया आपका हॉल रहेगा, यानी कि वास्तु की भाषा में इसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। पूरा ओपन छोड़ा गया है, सुख समृद्धि देने वाला होगा, अच्छा आपकी सेहत अच्छी रहेगी अगर आप वास्तु अकॉर्डिंग ब्रह्म स्थान छोड़ते हैं। कैसे भी घर बनाइए, कितना भी आपको घर बनाना हो, मगर ब्रह्म स्थान आपको ओपन छोड़ना ही होता है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ब्रह्म स्थान अगर आप अपने घर में नहीं रखते हैं तो वो काफी समस्या पैदा करने वाला होता है। यहाँ पर आपका डाइनिंग टेबल सेट हो जाएगी, यानी कि ये जो हॉल है, इधर का एरिया सोफे वगैरह लगने के लिए लिविंग एरिया बन जाएगा और इधर का आपका डाइनिंग हॉल बन जाएगा, डाइनिंग टेबल लग जाएगी। खाने की जो टेबल है उसे डाइनिंग टेबल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इधर प्रवेश करेंगे, ये क्या, ये आपका अग्नि कॉर्नर है। अग्नि कॉर्नर के अंदर वास्तु के अकॉर्डिंग आपका किचन दिया गया है। किचन इस दीवार से लेकर यहाँ तक आपका 9 फीट किचन रखा गया है, लंबाई 12 फीट है। किचन के अंदर आपके दो दरवाजे रहेंगे, एक दरवाजा आपका यहाँ है, एक दरवाजा आपके डायरेक्ट पीछे की तरफ है।
पीछे देखिए तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टी, इसलिए पीछे हमने पूरी एक बालकनी छोड़ी है, मगर ऊपर से ये कवर रहेगी और ओपन रहेगी, इस चीज का ध्यान रखिए। यानी दीवारें आपकी ऊपर तक जाएगी मगर ऊपर से ही इसके जाल लगेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका यूटिलिटी के लिए स्पेस रखा गया है, आप इधर अपने बर्तन वगैरह भी धो सकते हैं और यूटिलिटी एरिया रहेगा। आप पीछे से किचन के अंदर से दरवाजे दिए गए, आराम से पीछे जा सकते हैं। ये आपका किचन है, यहाँ पर आपकी एक विंडो लग जाएगी, गैस चूल्हा यहाँ सेट हो जाएगा और पूरा किचन वास्तु अकॉर्डिंग दिया गया है, 9 फीट बाय 9 बाय 12 में बड़ा किचन बनता है। अब देखिए आप इधर प्रवेश करेंगे, कॉमन लेटरिन बाथरूम है, इधर आप इस दरवाजे से 2.5 फीट का दरवाजे अंदर प्रवेश करेंगे, ये आपका टॉयलेट है और इसके अंदर इस साइड का ये कॉर्नर आपका बाथरूम हो जाएगा। पीछे हमने वेंटिलेशन के लिए OTH डॉट रखा है, यानी अदर प्रॉपर्टी है इस साइड में, तो यहाँ पर हमने वेंटिलेशन के लिए एक जाल रख दिया छत के ऊपर जिसको डॉट कहते हैं। यहाँ पर इसका एक विंडो लग जाएगा, विंडो और फैन, ताकि आपके लेट बाथ का वेंटिलेशन हो जाए। बाहर की तरफ हमने वॉश बेसिन रखा है हाथ वगैरह धोने के लिए, डाइनिंग हॉल के पास में वॉश बेसिन रहेगा तो हाथ धोने के लिए आपको किचन में नहीं जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने वॉश बेसिन रखा है जो काफी यूजफुल रहेगा। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे, बेडरूम रखा गया है, बेडरूम 14 फीट की लंबाई, इधर आपकी चौड़ाई 14 फीट रखी गई और ऐसे लंबाई की बात करें 12 फीट रखी गई है। बेड आपका यहाँ सेट हो जाएगा, एक विंडो आपकी इधर सेट हो जाएगी। बेडरूम आपका मास्टर बेडरूम है, एक लेट बाथ इसमें सेट किया गया है जिसका वेंटिलेशन विंडो और फैन इस OTS में ओपन हो जाएगा डॉट में। तो ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान रहेगा, शानदार पूरा वास्तु अकॉर्डिंग प्लान रेडी किया गया है। आई होप ये प्लान आपको अच्छा लगेगा। ऐसे प्लान रोजाना देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वास्तु के अकॉर्डिंग ही अपने घर का निर्माण करें। आज के लिए इतना ही। अगर आप पर्सनल अपना वास्तु अकॉर्डिंग नक्शा बनवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। फीस लेके पर्सनल वर्क किया जाता है, विदाउट पेमेंट वर्क नहीं होता, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।